हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज का वीडियो है ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर। ट्रैफिक सिग्नल आप प्राइमरी क्लास में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे और कैसे उन्हें पढ़ाएंगे विद द एक्टिविटी एंड विद द हेल्प ऑफ टीएलएम। टीएलएम इज ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी एंड इंटरेस्ट। यस, टीचर के भी क्रिएटिविटी और इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप अपनी क्लास को कितना फ्रूटफुल और कितना अमेजिंग बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए कैसे हेल्पफुल है, अगर आपका कोई टीचिंग इंटरव्यू है तो डेफिनेटली ये आपके लिए उसमें काम आने वाला है, और नहीं भी तो अगर आपको अपनी क्लास में ट्रैफिक सिग्नल जिस दिन भी पढ़ाना है उस दिन आप ये वीडियो देखकर अपने आप को और एनरिच कर सकते हैं और अपना लेसन प्लान भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो मैंने टीएलएम यूज किया है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो लास्ट तक। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल। ओके, तो आप लोग असेंबली के बाद योगा करते हैं। Yes, और स्पोर्ट्स टीचर आपको पीटी भी करवाते हैं। Yes, तो आप लोग कैसे करते हैं, क्या आपके स्पोर्ट्स सर या मैम को बार बार आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ते हैं कि ऐसे हाथ करो, ऊपर करो, नीचे करो? नो, देयर इज वन विसल विथ हिम और हर। यस, और जैसे ही वो विसल बजाते हैं, क्योंकि आपको वो पहले ही सिखा चुके हैं तो आपको पता है कि किस विसल पर आपको कहां पर टर्न होना है या कौन सा हैंड बाहर निकालना है या कौन सा पॉस्चर बनाना है, या फिर वो काउंटिंग करते हैं लाइक 1 to 10 देन बैकवर्ड 10 to 1। यस, ऐसे ही होता है, सभी ऐसे ही करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, स्कूल के कुछ रूल्स हैं, सबको पता है ना, कहां पर खड़े होना है, डिसिप्लिन में क्लास में रहना है, लड़ाई नहीं करनी है, होमवर्क कंप्लीट करके लाना है ना। जब भी आप कॉरिडोर में वॉक कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे वॉक करना है। हाँ, और कौन कौन से रूल है, चलो बताओ मुझे। वेरी गुड। सो ये जो रूल्स हैं, अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? अच्छा, नहीं, मार नहीं पड़ेगी, लेकिन टीचर्स आपको समझाएंगे, है ना, समझाएंगे कि आपको ये सारे रूल्स फॉलो करना है, अदरवाइज आपकी जो एक प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए, है ना, जो आपका एक प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए, जो आपको सीखना चाहिए, वो आप नहीं सीख पाओगे, है ना, और अच्छे नंबर नहीं आएंगे और आप एक अच्छे बॉय और गुड गर्ल नहीं बन पाओगे, है ना। इसलिए आपको सारे रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं। यस, ओके, सारे बच्चे बाइसिकल चलाते हैं। ओके, हु राइड्स बाइसिकल, टेल मी। एवरीवन इज हैविंग द बाइसिकल एट होम। वेरी गुड। तो जब आप रोड पर बाइसिकल चलाते हो, ठीक है, जब कॉलोनी में चलाते हो तब तो कहीं भी चला लेते हो, है ना, लेकिन अगर आप मेन रोड पर चला रहे हो तो आपको कहाँ पर बाइसिकल चलाना पड़ेगी? क्या आप बीच में चला लोगे? नो, बहुत सारी कार, बाइक्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक आते हैं, है ना, तो हमेशा आपको किस साइड पर चलानी चाहिए, आपको पता है रोड पर किस साइड पर गाड़ियां चलती हैं? वेरी गुड। देखो, राहुल को पता था, हमेशा हमें लेफ्ट साइड पर वॉक करना चाहिए और लेफ्ट साइड पर ही हमें हमारी गाड़ियों को चलाना चाहिए। वेरी गुड। तो लेफ्ट हैंड कौन सा है? एवरीबॉडी शो मी द लेफ्ट हैंड। वेरी गुड। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड वेयर यू शुड वॉक एंड ड्राइव। वेरी गुड। नाउ अगर आप मार्केट गए हो या कहीं पर गए हो, आपकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी है ना, पापा या मम्मी ड्राइव कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उसको हॉर्न दोगे या ओवरटेक करोगे? पहले हम हॉर्न देंगे और फिर हम साइड से क्रॉस होंगे। वेरी गुड। हम उसे ओवरटेक नहीं करेंगे। इट मींस देयर आर सम रोड रूल्स, है ना, कुछ रोड रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना होते हैं। अच्छा, जब हम किसी बड़ी सिटी में जाते हैं, है ना, जहां पर आपने, ये देखो मेरे पास क्या है, ऐसा कुछ देखा है, 3 colors देखे हैं, विच कलर्स आर हियर इन दिस? रेड, येलो एंड ग्रीन। वेरी गुड। सो हियर आई एम हैविंग दिस लाइट्स फॉर यू। ओके, डू यू नो व्हाट दिस इज कॉल्ड? ये आपने देखा है किसी बड़ी सिटी में लगा हुआ? यस, और आपको इसको फॉलो भी करना होता है ना। दिस इज रेड, दिस इज येलो एंड दिस इज ग्रीन। वेरी गुड। एंड वॉट इज इट कॉल्ड, यू नो? इसको हम कहते हैं, वेरी गुड अरिंदम, अरिंदम इज अ गुड बॉय, इसे हम कहते हैं ट्रैफिक लाइट। क्या कहते हैं हम इसको? ट्रैफिक लाइट या ट्रैफिक सिग्नल। वेरी गुड। और आज की डेट क्या है? वेरी गुड। सो
जब भी आप किसी बड़ी सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, आपको ये तीनों ही लाइट के जो सिग्नल्स हैं, उनको फॉलो करना होता है, ओके? और यहाँ पर हर एक लाइट का एक मीनिंग होता है। आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है? ओके, तो इसका मीनिंग हम सीखेंगे आगे पोयम से, ओके? सो एवरीबॉडी फ्रॉम योर ओन प्लेस यू हैव टू रिसाइट दिस पोयम आफ्टर मी एंड यू हैव टू डू द सेम एक्शन अलोंग विथ मी, ओके? सो ऑल ऑफ यू आर रेडी टू डू दैट? वेरी गुड, सो लेट्स स्टार्ट। रेड लाइट व्हाट डू यू से? रेड लाइट व्हाट डू यू से? आई से स्टॉप, I say stop. Yellow light, what do you say? I say wait, I say wait. Green light, what do you say? Green light, what do you say? I say go, I say go. Yes. So, these are the meanings of these lights. Okay? What is the meaning of red light? जब भी red light signal पर जलती है, it means आपको आपकी गाड़ियों को क्या करना है? Stop कर देना है. Okay? उस signal पे आके आपको रुक जाना है. Then, yellow light क्या बोलती है? Yellow light कहती है wait. Okay? Yellow light क्या कह रही है? Wait. वेट मीन्स आपको इंतजार करना है, मीन्स अभी थोड़ी देर आपको इंतजार करना है और फिर ग्रीन सिग्नल होते ही यू कैन गो, ओके? ग्रीन सिग्नल का मीनिंग होता है गो, गो मीन्स जाना, अब आप आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर आप गिरेंगे नहीं, कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा और सारे रूल्स फॉलो हो जाएंगे। तो सबको समझ में आया कि रेड येलो और ग्रीन का मीनिंग क्या होता है? सब समझ गए? ओके, अगर सब समझ गए हैं तो अंकिता, निधि एंड रोहित कम हियर। ओके, अंकिता इज रेड लाइट, निधि इज येलो लाइट एंड रोहित इज ग्रीन लाइट, ओके? एंड नाउ सुहानी यू कम। सुहानी इज वन कार, ओके? नाउ दीज लाइट्स आर गोइंग टू गिव इंस्ट्रक्शन, ओके? और जो सुहानी कार है उसको वो सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, ओके? फिर वन बाय वन सबकी टर्न आएगी, लेट्स सी कि कौन सबसे अच्छे से ये एक्टिविटी करता है, ओके? सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, आपने देखा हमने ट्रैफिक लाइट को समझाने के लिए यहाँ पर योगा स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया, देन हमने बच्चों के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लिए कि वो रियल लाइफ में जब घर में भी साइकिल चलाते हैं तो वो क्या करते हैं, और उसके बाद एक सिंपल सी पोएम के हेल्प से हमने उनको ये एक्सप्लेन कर दिया, और फिर हमने बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी भी करवाई। इसको आप अपने तरीके से और मोल्ड कर सकते हैं और बेहतरीन बना सकते हैं, और अगर आपको मेरे ये टीचिंग वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब।